शिवा श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, करेला का भरवा, जो खाने में काफी टेस्टी है और हेल्दी भी है। इसको कैसे बनाना है मैं बताती हूँ। हमने 500 ग्राम करेले को ले लिया था और इसको अच्छे से धुल लिया हूँ। अब इसको मैं पहले से कुछ काट के रख लिए हैं, आपको एक बताती हूँ कैसे इसको बनाना है। इसके ऊपर के छिलके को आप निकाल लीजिए, ऊपर से छिलके को निकाल लीजिए और इसके अंदर से बीज को निकाल लीजिए। ये बिल्कुल इस तरह सारे बीज को हमने बाहर निकाल दिए हैं और हमने रखा है एक भगोने में गर्म पानी। अब इसको मैं इसमें स्टीम करूंगी। इस पर रख दूंगी एक छलनी। अब मैं जितने भी करेले हैं इसको मैं नमक इसके ऊपर लगा देती हूँ। एक चम्मच हमने नमक लिया है, सभी को इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी ताकि इसका कसालापन दूर हो जाए। अब इसको हम ये जाली पर रख देते हैं स्टीम होने के लिए। हमने पानी को पहले से ही गर्म कर लिया था। ये 500 ग्राम करेला है, अब इसको मैं ढक देती हूँ। अब ये स्टीम होगा और अच्छे से पक जाएगा, तब मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम देखते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा ये पक चुका है, स्टीम हो गया है। अब इसको मैं सब एक एक करके प्लेट पे निकाल लेती हूँ। अब इसको मैं खड़े मसालों को भूनूंगी। इस प्रोसेस से आप बनाएंगी तो बहुत ही बढ़िया। ये हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं खड़ा धनिया, इसको मैं रोस्ट करूंगी। एक बड़े चम्मच हमने जीरा ले लिया है और ये ले लिया सौंफ 2 बड़े चम्मच। इन तीनों को अच्छे से रोस्ट कर लूंगी और कलौंजी मसाला जब हम गैस को ऑफ करूंगी तब इसमें भूनूंगी थोड़ा सा, उनको अच्छे से भून लें। अच्छे से ये भून गए हैं, अब मैं गैस को करती हूँ ऑफ। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा कलौंजी, जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं, उसको मैं डालूंगी। इनको अच्छे से भून लूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी। अभी अच्छे से भून गए हैं, इसको मैं एक प्लेट पे निकालूंगी और ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको मिक्सी में पीसूंगी। दरदरा पीस लिए हैं, अब उसमें मैं पीसूंगी। हमने 2 बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया है, कुछ हमने ले लिए लहसुन की कलियां और 10 हमने ले लिए हैं हरे मिर्च। अब इसको मैं पीसूंगी। ये हमने प्याज लहसुन और मिर्चे को अच्छे से पीस ली हूँ। मैं अब इसकी स्टफिंग बना रही हूँ भरुआ कलौंजी की। तो मैं डालूंगी मस्टर्ड ऑयल और इसके मसाले को मैं भूनूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी पिसे हुए प्याज, हरी मिर्च और लहसुन के पेस्ट को। इसमें पहले मैं फ्राई कर लूंगी।
इसको तब तक भूजेंगे जब तक इसमें से तेल ना निकले, तब तक मसालों को भूनेंगे। मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसको मैं कवर कर दे रही हूँ और बीच बीच में चेक करती रहूंगी। देखिए मसाले अच्छे से भून रहे हैं। अब इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, फिर जब मैं डालूंगी इसमें हल्दी पाउडर, इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। फिर चार नमक, एक छोटे चम्मच हमने नमक डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले अच्छे से भून रहे हैं। इस तरह भरवा करेला बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। जो नहीं खाता है वो भी खाने लगेगा। देखिए मसाले भुने की नहीं, मसाले अच्छे से भून गए हैं और तेल छोड़ दिए हैं। अभी से स्टेज पे गैस को ऑफ करती हूँ। मसालों को इस कटोरी में निकालती हूँ। मसाले को हमने जो भून लिया था, अब इसमें जो खड़े मसाले को हमने रोस्ट कर लिया थी उसको दरदरा हमने पीस ली थी, अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी अमचूर पाउडर, दो बड़े चम्मच अमचूर पाउडर हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्वाद को बढ़ाता है काफ़ी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इस हमने जो करेले लिए थे बॉयल, उसको मैं इसमें भरूंगी। इसको बिल्कुल अच्छे से भरना है। सारे करेले को हमने भर लिए हैं। अब हमने पैन में मस्टर्ड ऑयल को गर्म कर ली हूँ। अब इसमें हमें एक एक डालूंगी। इसमें हमने दो बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिए थे। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी। फिर इसको सेकेंगे चारों तरफ से ताकि ये तेल में अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए ये थोड़े थोड़े पक रहे हैं। इसको मैं इसको घुमा दे रही हूँ। ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। इसको चारों तरफ से हमने पलट करके बिल्कुल सेका है, कुरकुरा और ब्राउन। अब इस पलट उस समय उधर सिक जाए तब मेरे कलौंजी बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी कलौंजी बना बता रही हूँ मैं आपको। इसे सभी पसंद करेंगे। इस टाइप से आप कलौंजी बनाती हैं तो करें अच्छे से सिक गए हैं सारी कलौंजी। मैं गैस कर दूँ आओ। अब मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए
चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गए हैं। भरुआ कलौंजी करेले की बनकर हो गई है तैयार। अब ये खाने के लिए है रेडी। इसके चावल दाल से खाइए आप, रोटी से खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। अगर आप इसी तरह बनाएंगी तो बच्चे भी खाएंगे। ये खासकर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए तो बहुत ही फ़ायदा है करेला। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मैं आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।